लखीमपुर ही बनेगा यूपी में बीजेपी के सफाए की सबसे बड़ी वजह। लखीमपुर खीरी ही चुनाव में बीजेपी की हार तय करेगा। लखीमपुर कांड से ही शुरू हो गई थी बीजेपी की उल्टी गिनती। अब बीजेपी का सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आखिर क्यों लखीमपुर कांड क्यों बनेगा बीजेपी की पराजय की वजह, तो वजह आप अखिलेश से सुनिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अखिलेश ने यूपी के भविष्य को साफ तौर पर सबके सामने लाकर रख दिया है। लखीमपुर खीरी कांड को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा उस कांड को जानता है और उसके सच से भी वाकिफ लगता है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों पर योगी राज में एक्शन नहीं है। आरोपी के भाई केंद्र में मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, सोचिए कितना बड़ा ओहदा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के चाणक्य के बगल में उनकी कुर्सी लगती है, लेकिन करतूत ऐसी जिसके सबूत एक एक मीडिया चैनल ने दिखाए और सबके सामने रखे। बीजेपी नेतृत्व में कांड से खलबली जरूर मची, लेकिन फिर एक्शन के नाम पर फुस साबित हुई डबल इंजन की सरकार। ना तो केंद्र में ही कोई एक्शन लिया गया, ना ही योगी अपने बल पर कोई ठोस कदम उठा पाए, लेकिन जनता ने तो सब कुछ देखा और समझा भी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया है, लिखा है, उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई यहां दौड़ा चला आ रहा है। भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लखीमपुर की जीप में भाजपा का पराजय जुलूस निकालेगी। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सुरेश वर्मा लिखते हैं कि यूपी में बिल्कुल बंगाल जैसी स्थिति है। रामबली यादव ने लिखा, आदमी कर्म से हारता है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत भेद है। यूपी में मां बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ, इसलिए इसको भोगना तो जरूर पड़ेगा। शैलेश यादव ने लिखा, जी भैया बिल्कुल सही कहा आपने, यहां हमने कुछ ही ट्वीट दिखाए हैं, लोग अखिलेश के समर्थन में बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अब यूपी का लखीमपुर कांड ऐसा ही है जो किसी भी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए काफी है, और उस पर भी सरकार का कांड को लेकर इस तरह का लापरवाह रवैया तो किसी के भी गले नहीं उतर रहा। एक्शन के नाम पर गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। इतने बड़े कांड की कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या बीजेपी मुद्दे पर बिना बात किए अपने करतूतों को छिपाना चाहती है, तो बीजेपी इसमें फेल होती नजर आ रही है। बीजेपी ने मामले में तत्काल एक्शन लेकर थोड़ी अकलमंदी दिखाई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब तो लगता है कि प्रदेश में साइकिल पर सवार होकर अखिलेश ही आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या लखीमपुर कांड योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काफी है, या अभी भी गुंजाइश है कि योगी सत्ता में वापसी कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।